वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज हम लोगों का 17 मई है और 17 मई को आप लोगों का रिजल्ट जारी होगी। क्यों सर, ऐसा क्या बात है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीक में आप लोगों का रिजल्ट जारी होगी, साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि कभी भी जारी हो सकती है। तो फाइनली आप लोगों का डेट आ चुकी है, लेकिन हम लोगों को सर ये पता नहीं है कि 11 बजे आएगी या 2 बजे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ, साथ ही साथ पिछले साल किस प्रकार रिजल्ट बनी थी इसके रिगार्डिंग आप लोगों में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इसमें तो हम लोग का रिजल्ट में तो हम लोग का मार्क्स इंडिकेट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ना सोचिए, आप लोगों का मार्क्स इंडिकेट होगी। मार्क्स का मतलब जितना नंबर लाए हैं आप, यानी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके, यानी 50 में से कितना नंबर लाए हैं, ये नंबर आप लोगों को बताया जाएगा यानी रिजल्ट में, जिस तरह से क्लास 12 का बना है। तो चलिए बिना देर किए मैं सबसे पहले आप लोगों को पिछले साल का एक दो रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्त, यह देखिए एक लड़का का एक ये आपका नंबर है, सॉरी ये एक लड़की सोनी कुमारी का ये अगले साल का एक नया रिजल्ट है, जहां पे आप इजीली से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में 41% और इसमें 46, इसमें 44 और इसमें 44, फिर 45 मार्क्स लाए हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 5 सब्जेक्ट होती है। अगर आप एडिशनल पेपर नहीं लेते हैं तो याद रखिएगा इसमें आप लोगों का जो होती है 5 सब्जेक्ट, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट में वो कितना मार्क्स लाई है, 220 मार्क्स लाई है। मतलब अगर आप 50 में से अगर आप 17 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो याद रखिएगा फेल हो जाएंगे, सभी आपको पता है। फिर मैं एक और रिजल्ट दिखाऊंगा, और एक रिजल्ट देखिए, फिर एक लड़का का रिजल्ट है। यहाँ पे इजिली से आप देख सकते हैं मेरे दोस्त की किस तरह से रिजल्ट उनका बना है, 50 में से 44, 50 में से 49 मार्क्स भी लाए हैं हिंदी में। तो आप लोगों का भी रिजल्ट इसी तरह से बनेगी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट की ओर मूव करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे झार अपडेट क्लिक करना है, और झार अपडेट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये कल के आप लोगों का डाटा है, यानी जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कल का स्टेटमेंट है, रात का। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट कल की है, इन्हें यहाँ पे बताया गया था कि आप लोगों का रिजल्ट कल जारी होगी। कल का मतलब आज हम लोग का रिजल्ट देखना है, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रिजल्ट अगर 11 बजे आएगी या 12 बजे आएगी या 2 बजे आएगी, कितने बजे आएगी वो हम लोगों को बताया गया है या नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, और हाँ जितना भी बजे रिजल्ट आए आप लोग याद रखिएगा लाइव जुड़े रहिएगा, लाइव का सेशन दिया हुआ है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके साथ साथ जो आप लोगों का लाइव क्लास का शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल को आप लोग नोटिफाई कर लीजिएगा। जैसे नोटिफाई करेंगे जब भी लाइव क्लास चलेगी आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगी, ठीक है? तो नोटिफाई आप लोग कर लीजिएगा, साथ ही साथ क्लास 11 का तो आज रिजल्ट आ ही जाएगा, क्लास 9 का भी तो रिजल्ट आ ही जाएगा। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, क्या मेरे दोस्तों? से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अगर आप चाहते हैं सर हमें अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना है अगला क्लास के लिए, ठीक ना? तो आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इस वीक में इन इस सप्ताह में जारी होगी आपका रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए फुल इंडिकेट कर दिया है मेरे दोस्तों, यहाँ पे फुल इंडिकेट कर दिया है कि 17 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट जारी होगी। कितना तारीख को? 17 तारीख को रिजल्ट जारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि आज जारी होगा जैक 11वीं कक्षा का अपना परिणाम। सबसे पहले देखने के लिए वेबसाइट यानी झार अपडेट पर नज़र बनाए रखिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सबसे पहले रिजल्ट देखना है तो आपको झार अपडेट पर बने रहना होगा। साथ ही साथ आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक साथ अगर सारे स्टूडेंट्स अगर सर्च करना शुरू कर देते हैं तो सर्वर पूरा डाउन हो जाती है, पूरा बिजी हो जाती है, तो आप लोगों का अपना मोबाइल पर आपका रिजल्ट दिखेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं सर हमें लाइव चेकिंग करवा दीजिए, तो देखिए हमारी टीम यहाँ पर बैठी रहेगी, याद रखिएगा हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पे बैठी रहेगी। आप लोगों का लाइव क्लासेस में आप लोगों को रोल नंबर और रोल कोड बता देना है, आप लोगों का मैं मार्क्स चेक करके आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, ठीक ना? और साथ ही साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था आप लोगों का कि कितना बजे आप लोगों का रिजल्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट के जैसे हम लोग नीचे करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 17 मई, लेकिन इंडिकेट नहीं किया गया है, इंडिकेट नहीं किया गया है कि हम लोग का 11:30 बजे आएगी या 2 बजे आएगी, कोई भी इंडिकेट अभी तक नहीं आया है। लेकिन याद रखिएगा अगले साल ठीक इसी तरह से जिस तरह से क्लास 10 का हुआ है, इसी तरह से क्लास 12 का भी हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का 11:30 बजे बताया जाएगा कि रिजल्ट आएगी, लेकिन आप लोगों का 12 बजे तक रिजल्ट आके हाजिर हो जाएगी, ठीक है? अगर 12 बजे नहीं आती है तो याद रखिएगा 2 बजे तो कोई यार चांस ही नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा 12 बजे 100% रिजल्ट आना चाहिए, मतलब 11 बजे हम लोग लाइव आ जाएंगे, इसके बीच में कभी भी रिजल्ट जारी हो सकती है, 8 बजे भी रिजल्ट जारी हो सकती है, 9 बजे भी आ सकती है, 10 बजे, यानी जब भी रिजल्ट जारी होगी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, घंटा को दबा लीजिए, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है?